की बात और बता दूं कि ये प्रार्थना आपकी जिंदगी में तब असर करती है जब इन शब्दों के साथ आपके हृदय का भाव भी जुड़ जाए, क्योंकि बिना शब्दों के भी प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन बिना हृदय के सच्चे भाव के प्रार्थना का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए ये प्रार्थना आप रोज सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा से जरूर करें। अब आप उस परम शक्ति को परमपिता कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, शिव कहें, कृष्ण या राम या भवानी कहें, प्रकृति कहें, एक ओंकार कहें, खुदा कहें, चाहे किसी भी नाम से उसे पुकारें, सब नाम उस एक परम शक्ति के ही हैं। तो आइए उस सत्य रूप परम शक्ति से जुड़ने के लिए हम सब मिलकर उनके आगे प्रार्थना करें। हे परम शक्ति स्वरूप परम पिता परमात्मा, हमारे जीवन में छाए भय अशांति दुख और परेशानी के अंधकार को आप दूर करें और हमारे जीवन में निर्भयता सुख और आनंद की ज्योति प्रदान करें। मन विचार और आत्मा की पवित्रता प्रदान करें। हे परमपिता परमात्मा, आप समग्र विश्व को सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ क्योंकि मुझे प्रार्थना की शक्ति पे पूरा विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि परमात्मा ने हमेशा मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आज आपने मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन दिखाया है। लोग कुछ भी सोचें या कुछ भी कहें, हे ईश्वर, मैं हमेशा आपकी प्रार्थना करता रहूँगा। हे ईश्वर, आपने मेरी प्रार्थनाओं को तब भी सुना है जब मुझे मेरी प्रार्थनाओं के लिए शब्द भी नहीं मिलते हैं। हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दें कि मैं जिंदगी की सारी मुश्किलों सारे दुखों और परेशानियों को आपकी कृपा से आसानी से पार कर जाऊं। हे ईश्वर, समग्र विश्व के प्रत्येक जीव के हृदय में आप प्रेम शांति और आनंद की स्थापना करें। मेरे हृदय में ऐसा संतोष और कृतज्ञता भर दें कि मन की सारी वासनाएं और शिकायतें दूर हो जाएं और मेरा हृदय धन्यवाद और विश्वास से भर जाए। हे ईश्वर, जाने अनजाने में की गई मेरी सारी भूलों के लिए मुझे क्षमा करें और मुझ पर ये कृपा करें कि मेरे हृदय में सुख शांति और पवित्रता बने रहें और उस पवित्र हृदय से आपके बनाए हुए जीवों और सृष्टि की मैं सेवा कर पाऊं। मेरे द्वारा मन वचन और कर्म से किसी की भी दिल दुखी ना हो। हे ईश्वर, आपने अपनी दिव्य कृपा दृष्टि और शक्ति से मेरे सारे दुखों को चमत्कार करके भी दूर किया है। मेरी हर शुभ इच्छा को आपने सदैव पूर्ण किया है। जीवन की हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है। मेरा बारंबार आपको प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। आपको बारंबार धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। प्रार्थना पूर्ण हुई। ये प्रार्थना रोज सुबह दिन शुरू होने से पहले और रात को दिन खत्म होने के बाद आप जरूर करें। प्रेयर शुड बी की इन द मॉर्निंग एंड द लॉक ऑफ नाइट। हमारी जिंदगी की हर सुबह प्रार्थना की चाबी से खुलनी चाहिए और हमारी हर रात प्रार्थना के ताले से बंद होनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से ये प्रार्थना करेगा, उसकी हर शुभ इच्छा जरूर पूर्ण होगी और उसके सारे दुख और संकट सभी दूर हो जाएंगे।